नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राम। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल की देखिए कल नोटिस जारी हुई थी, इस पर हमने आप लोग को इन्फॉर्म भी किया था वीडियो बना के, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी क्वेश्चन आप सभी छात्रों के आए हैं कि सर आवेदन कब से होगा। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि आयोग ने अभी भी इस सस्पेंस को बरकरार रखा है कि कितने परसेंटाइल वाले छात्रों को हम बुलाएंगे। हालांकि यहाँ पर आयोग ने देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 21 के अंतर्गत प्रस्तावित लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 21 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने। तो भाई सम्मिलित तो सभी है, लेकिन यहाँ पर कितने परसेंटाइल एक दुविधा वाला है। लेकिन आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि दोस्तों देखिए यूपी ट्रिपल एस सी से ऑथेंटिक अपडेट जो भी होती है, जो भी आंकड़े होते हैं एक एनालिसिस के बाद हम आपके सामने शेयर करते हैं। और अब तक जितने भी हमने आप लोग को एक ओवरव्यू दिया है, आंकड़े जो भी बताए हैं कहीं ना कहीं वो सत्य साबित हुए हैं। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें भ्रमित करने वाली बहुत सारे ऐसे चैनल्स ऐसे माध्यम से आपको मिलते हैं कि भाई जिसका 90% होगा, जिसका 95% होगा वही इसमें बैठ सकता है। तो पहले तो ध्यान रखिए कि 7,882 पद हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल को देखा है कितने परसेंटाइल वाले छात्र आवेदन करने की उनके है पॉसिबिलिटीज़ है, जो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कब इसका आवेदन लिया जाएगा, परीक्षा कब होगी, ठीक है, और ट्रिपल सी के बारे में भी संबंध में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस की बात करते हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सिलेबस देखिए सेम वही है, सिलेबस को लेकर भी अफवाह कई फर्जी चैनल्स के माध्यम से आपको देखने को मिली थी, और मैंने इस बात का खंडन भी किया था कि भाई इंग्लिश नहीं ऐड हो रहा है। कई यूट्यूब चैनल ने आपको कहा था कि इंग्लिश ऐड हो जाएगा, रीजनिंग ऐड हो जाएगा, हालांकि संभावना ये जताई जाती थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग की संभावना थी, इंग्लिश की तो बिल्कुल न के बराबर थी। लेकिन मैंने एक ये भी आपसे वीडियो में बताया था कि भाई देखो ये जो चार सेक्शन है इसमें आपको 25-25 क्वेश्चन है, जो 20 नंबर के आपके जो क्वेश्चन के जो मार्क्स 20 नंबर के थे आपके, ये आपके इंटरव्यू के थे, इसी को इसमें सम्मिलित कर लेंगे और एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होगी एक अंक की होगी। तो ये बात बिल्कुल सत्य साबित हुई है, यहाँ पर सेम एज इट इज रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप सभी छात्रों को मैंने कहा था कि क्वालिटी कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दूंगा दोस्तों कि सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज, इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज के लिए देखिए आप सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट PDF बनवाई गई है। ग्रामीण समाज के लिए 10 मॉडल टेस्ट पेपर बनवाया गया, जिसकी जानकारी यहाँ पर हम आपको देना चाहेंगे, जो कि आप ही के लिए उपयोगी है, तो एक मिनट यहाँ पर सुन लीजिएगा। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल में 25 क्वेश्चन ग्रामीण समाज से आएंगे, जिसमें ग्राम समाज से बात करते हैं, ग्रामीण अवसंरचना से बात करते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं से होती हैं, फसल उनकी प्रजातियों से होती है, बहुत सारे सेक्शन होते हैं। इसके लिए देखिए 10 मॉडल टेस्ट पेपर आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पर तैयार कराए गए हैं, जिससे कि 25-25 क्वेश्चन आएगा, 10 मॉडल टेस्ट पेपर, उनके विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। और इसकी फीस आप शुल्क कह सकते हैं, नाम मात्र की है, 30 रुपये एक सहयोग शुल्क के तौर पर आप देख सकते हैं, जिसका ट्रांजेक्शन चार्ज 5 रुपये आपको लग जाएगा। टोटल 35 रुपये की ये 10 मॉडल टेस्ट पेपर की PDF आप लोग को ऑनलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा आफ्टर भुगतान, ठीक है। जब आप पेमेंट कर देंगे, कोई समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो सीधे बाय नाउ पर जाना है, आपको पेमेंट के सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो भी आपके पास मेथड है पेमेंट करिए, फिर PDF डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और आपके मेल पर भी चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बताना चाहेंगे दोस्तों GS का सेक्शन को लेकर भी देखिए काफ़ी समस्या होती है, कितना वास्ट GS है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए सभी टॉपिक हिस्ट्री इकनॉमी ज्योग्राफी पॉलिटी कंप्यूटर UPGS सब कुछ यहाँ पर देखिए, ये 5000 अति महत्वपूर्ण रामबाड़ा प्रश्नों की ये सीरीज तैयार की गई है, वनलाइनर फॉर्मेट में है, जिसमें आप किसी भी एग्जाम UPSSC आगे भविष्य में पेट देंगे लेखपाल हर वन डे एग्जाम के लिए सफिशियंट है। तो हर टॉपिक को अच्छे तरीके से क्या वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें कवर की गई, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो दो पार्ट आपका यहाँ पर हिंदी के लिए आप लोग के लिए बहुत ही जल्द कंटेंट आप लोग को मिल जाएगा। तो इसकी फीस 49 रुपीज़ है, तो टोटल आपका 55 रुपये इसका ट्रांजेक्शन चार्ज सहित यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दो सेक्शन आप अच्छे से यहाँ पर कवर कर सकते हैं, कोई समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है। तो ये थी आपके पठन पाठन से भी जानकारी, क्योंकि भाई देखो बिना क्वालिटी कंटेंट के जिस प्रकार से कोई वॉर बिना आधुनिक हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता है ना, जीतने की संभावना, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि बिना क्वालिटी कंटेंट किताबें तो बहुत हैं, लेकिन क्या मार्केट में कैसी किताबें हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें क्या छोड़ें, ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पर थोड़ा सामने बताया है। और अब देखिए बात करते हैं कि सबसे पहले तो बात देखो भाई आवेदन कब से होगा। देखिए आवेदन की यहाँ पर बात आ रही है, तो आपका आवेदन दिसंबर सेकेंड वीक या थर्ड वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आज देखिए 9 दिसंबर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर 15 दिसंबर 15 से 20 के मध्य में आप लोग का यहाँ पर ये आ जाएगा,
और कितने परसेंटाइल वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। देखो भाई यहाँ पर एक तथ्यात्मक प्रस्तुति यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं आंकड़ों के अनुसार। आप सभी जानते हो कि लेखपाल के 7,882 पद हैं। कितने पद हैं? 7,882 पद हैं। आयोग ने कहा 15 गुना बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और वक्तव्य आया था अध्यक्ष जी का, ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पेट आपके पेट में इसलिए बैठे थे कि उनकी और भी आगे की जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, सपोज देट जो लेखपाल हैं वो आगे की लोअर पीसीएस के लिए, क्योंकि पेट सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया था, अगर पेट में ना बैठते तो आने वाले भविष्य की जो भर्ती हैं इसमें ना बैठ पाते, तो लोअर पीसीएस को भी देखते हुए तो बहुत सारे जो हैं लेखपाल के तौर पर जो कार्यरत हैं छात्र हैं वो इसमें तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उनका फिर वो बैग आना नहीं चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो वेतनमान और ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है और वह 95% परसेंटाइल लेकर बैठे हुए हैं। तो आप सभी छात्रों को पता है कि 95-96 परसेंटाइल होते हुए भी जब इनके पास ट्रिपल सी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो 10th पास हैं जब उनकी योग्यता ही नहीं है, ये 12th योग्यता है तो 10th वाले भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनको 10th वालों को बैठने का मौका मिला था। तो इन सब ओवरऑल देखते हुए आयोग भी ये यहाँ पर एक कंप्लीट ये सारा ये निकल के आ रहा है कि हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपका 75% है तो पक्का चांसेस है। मतलब 75% का मतलब है कि करीब 55 मार्क्स, 2-3 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। अगर आपकी इतनिया मार्क्स हैं, मैं हम पहले से भी कहते हैं, अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर फॉलोअर्स हैं, पहले भी हम कहते आए हैं कि जो भी जानकारी आपको मिलती है आपके हमारे चैनल माध्यम ऑथेंटिक मिलती है, कभी कोई अफवाह होती है हम खंडन करते हैं। अगर इतने मार्क्स हैं आपके परसेंटाइल हैं तो भाई बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइए, समय कम है, क्योंकि दिसंबर के लास्ट तक आप लोग का आवेदन लेने के बाद कहीं ना कहीं ये देखिए आवेदन जो भी 20-25 दिन का समय देंगे, चुनाव आचार संहिता की बात करते हैं उधर, तो इसके पहले तो ये करना ही इनका दिसंबर लास्ट तक आप लोग का 1-1.5 महीने का जो समय मिलेगा बहुत जल्द ये भर्ती करा देंगे। तो समय भी कम है और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को वीडियोस क्लासेस भी दी जा रही हैं, लेक्चर भी है, पीडीएफ क्वालिटी कंटेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तैयारियां में जी जान से लग जाइए। अनअकैडमी पर भी मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, ठीक है, जिसको आप लाभ ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर भी हम पीडीएफ शेयर कर दिया करेंगे जो भी आपके लेखपाल रिलेटेड कंटेंट होगा। और लेखपाल के लिए अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है UPSSC लेखपाल के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगे। और अभी भी आपके मन में कोई शंका है, कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डरा दी गई कि 95% 98% वालों को ही यहाँ पर मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप देखिएगा जो हमारे अभी तक के जो आंकड़े हैं, इसके बाद जब हमने सबसे पहले आपको बताया तो उसके बाद सभी चैनल्स ने आपको बताया कि इतने परसेंट को मौका मिलेगा, रीजन भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और उपयोगी वीडियोस भी हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो कैसे लगी अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और कोई भी आपके कमेंट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो थैंक्स टू ऑल इतनी धैर्यता से सुनने के लिए। और अगर आप क्वालिटी कंटेंट PDF चाहते हैं बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पर आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है, ग्रामीण GS और GS की जो बुक है, हिंदी की बुक भी आपको आगे प्रोवाइड करा दी जाएगी, और रेगुलर लाइव टेस्ट भी आपके जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बने रहे के धन्यवाद, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।